डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ यूनिट रिस्पांस, यूनिट स्टेप इनपुट गिवन टू द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जीटा यहाँ पर जो है वो डैम्पिंग फैक्टर है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सी एस जो है वो आउटपुट होता है और आर एस जो है वो इनपुट होता है। इसको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को अपन ब्लॉक डायग्राम में क्लोज लूप पाथ की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज समिंग पॉइंट, इनपुट इज आर एस, आउटपुट इज सी एस, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस। ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन फार्मूले से तो ये वाला रिजल्ट आ जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। इसमें अगर आर एस जो है आपका इनपुट है, तो आर एस अगर यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप मीन्स कि इट्स फॉर्म लाइक दिस, स्टेप की फॉर्म में रहेगा, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वन रहेगा, इट इज़ टी, ये मैग्नीट्यूड है आर टी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड वन रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट स्टेप, तो ये इसका अगर अपन लैपलास लेंगे तो वन अपॉन एस हो जाएगा। अब आप इस यूनिट स्टेप अप्लाई करने पर जो आउटपुट आपका आएगा इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन पे, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सी एस का डिनोमिनेटर पार्ट आर एस से मल्टीप्लाई जाएगा, तो आर एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन वो इस होल स्क्वायर। अब इसमें आर एस की जगह वन अपन एस रख देंगे और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया जाएगा। नाउ सी एस विल बी ओमेगा एन स्क्वायर प्लस दिस होल थिंग, डिनोमिनेटर में जो सेम है, इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया। पार्शियल फ्रैक्शन करने पर ये वन अपॉन एस माइनस टू जीटा ओमेगा एन अपॉन सेम डिनोमिनेटर ये रहेगा। इसका डिनोमिनेटर को अगर अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यही वाली स्टेप आ जाएगी। अब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फर्दर कम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसको अपने रूट्स में ब्रेक करके और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीके से इसके रूट्स निकाले जाते हैं। तो इसके रूट्स वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्मूले से निकाला जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रखने पर इसके दो रूट्स आ जाएंगे, ये माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये वाले पार्ट को अपन ओमेगा डी लिख सकते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। इसको आपने इस इक्वेशन को अपन रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको एस माइनस एस वन और एस माइनस एस टू ऐसे करके फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको लिखने के बाद ये सॉल्व करने पर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन को अपन ओमेगा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को ओमेगा डी लिखा जा सकता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया, रूट्स को आपने यहाँ पे रख दिया एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन को एक्सपेंड कर दिया। इसको अपन ने टू जीटा ओमेगा एन को एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन करके दो पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेंगे दोनों। देन इसके बाद ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके वन अपॉन एस, ये जो इक्वेशन है एस प्लस ए प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, ये आपका इनवर्स लैपलास लेने पर कॉस का फंक्शन बनेगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये ओमेगा एन जीटा ओमेगा एन, और ये वाला पार्ट में आपका ओमेगा डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, ये ओमेगा डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, नीचे एस शो किया हुआ है। ओमेगा डी को मैंने ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर लिख दिया। इस वाले पार्ट को ओमेगा डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कॉस साइन वाला पार्ट बन जाएगा। इसका अब इन्वर्स लैपलास लिया जाता है, देन इन्वर्स लैपलास लेने पर देखिए वन अपॉन एस, ये इन्वर्स लैपलास का सिंबल लगा दिया पूरे इक्वेशन पे, तो ये वाला पार्ट कॉस ओमेगा डी टी बन जाएगा। ओमेगा डी क्या है यहाँ पे, ओमेगा डी ये वाला पार्ट है और एस प्लस वाला जो पार्ट है ये इन्वर्स लैपलास लेने पर ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ऊपर नीचे ओमेगा डी का मल्टीप्लाई किया, ये वाला पार्ट में ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाले का इन्वर्स लैपलास लिया अगर आपने तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा डी टी। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है आपका, ये ओमेगा डी की वैल्यू रखने पर ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को रखने पर ओमेगा एन कैंसिल उठ जाएंगे, और ये वाला जो ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी है ये कॉमन लेने पर ये वाली इक्वेशन डेवलप हो जाती है। इस इक्वेशन में एक और अजम्पशन किया जाता है कि एक ट्राइंगल रिज्यूम किया जिसमें इस ट्राइंगल की जो फाई अपन ने थीटा एंगल ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज का वन है,
बेस का जीटा है और परपेंडिकुलर का 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म्स में आ जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो आपने इसको वैल्यूज को पुट अप कर दिया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये वैल्यूज आ गई, ये ओमेगा डी टी, ये ई तो कॉमन आ गया, और ये आपने एलसीएम लेके बाहर निकाला तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये एलसीएम 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला तो ये बाहर आ गया, ऊपर वाला ये रह जाएगा, और यहाँ पे एज यूजुअल जीटा रह जाएगा। तो जीटा और 1 माइनस जीटा स्क्वायर को साइन फाई और कॉस फाई के टर्म्स में रखने पर 1 माइनस ये तो सेम है ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन फाई कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी। तो ये वाला फॉर्मूला साइन है कॉस भी कॉस है साइन भी, साइन ए कॉस बी साइन ए ऐसे करके साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो इससे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी जो आउटपुट निकलेगा उसको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इट इज व्हाट, इट इज सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू माइनस जीटा ओमेगा टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन, ये ओमेगा डी टी ओमेगा डी टी ओमेगा डी जो है ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट, ये फाई है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा। तो इस तरीके से ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर जीटा का मान जीरो होगा तो ये ऑसिलेटरी आउटपुट शो करेगा, मीन्स अगर ये जीटा यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई आने से ये ऑसिलेटरी आउटपुट मिलता जाएगा। और इसी तरीके से जीटा का मान अगर बढ़ाते जाएंगे, इनके जीटा का मान बढ़ता जाएगा तो जीटा जो है ये ऑसिलेटरी आउटपुट से कम होते होते धीरे धीरे ये इफ़ जीटा इज़ वन ये आपकी डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग फॉर्म में शो करने लग जाएगा। अगर जीटा का मान एक से ज़्यादा कर देंगे तो जीटा विल बी, इफ़ जीटा इज मोर देन वन इट इज़ ओवर डैम्प्ड सिस्टम इफ जीटा इज ग्रेटर देन वन। अगर जीटा का मान कम लेते हैं तो ये इट विल क्रिएट ए ऑसिलेटरी आउटपुट लाइक दिस, हियर द जीटा इज वैल्यू इज लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन वन। तो जनरली कंट्रोल सिस्टम में ये वाला पार्ट ही यूज किया जाता है कि ये वाले पार्ट में ऑसिलेटरी आउटपुट होकर डैम्प्ड आउट हो जाए सिस्टम। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का मेन आउटपुट है। दिस इज द ऑल अबाउट द स्टेप इनपुट टू द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।